हेलो, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। मैं प्रमोद कुमार। आज का लेक्चर टिश्यू सिस्टम। देखो, टिश्यू सिस्टम की बात करता हूँ। टिश्यू सिस्टम प्लांट से रिलेटेड है, तो टिश्यू सिस्टम में आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज एंड देयर लोकेशन एंड फंक्शन वर्क्स एज एन यूनिट। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, जैसे एक एग्जांपल से समझो इसको। जैसे तुम्हारा बॉडी है, तुम्हारे बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन हैं। सभी का अपना अलग अलग फंक्शन है, सभी का अपना अपना लोकेशन अलग अलग है, लेकिन पूरा बॉडी एक यूनिट की तरह फंक्शन कर रहा है। उसी तरह से ये जो टिश्यू सिस्टम हम पढ़ने जा रहे हैं प्लांट का, इसमें भी रूट हो, स्टेम हो, लीफ हो, उसका देखेंगे तो डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट होगा। सभी टिश्यू का लोकेशन अलग अलग होगा, फंक्शन भी अलग अलग होगा, लेकिन फाइनल जो फंक्शन होगा यूनिट की तरह करेगा। तो इसको ही हम किस नाम से जानेंगे? टिश्यू सिस्टम। मतलब डिफिनीशन बड़ा इजी हो गया कि ऐसे लिख सकते हो कि डिफरेंट टिश्यूज टिश्यूज एंड देयर लोकेशन एंड फंक्शन एक्ट एज एन यूनिट। तो इसको ही हम किस नाम से जानेंगे? टिश्यू सिस्टम के नाम से जानेंगे। जैसे समझ लो थोड़ा सा, जैसे रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर आप देखते होंगे, तो बाहर में कौन रहता है आउटर लेयर के रूप में, तो इपिडर्मिस प्रेजेंट होता है। हमें डिटेल भी देखना है इसका, लेकिन टिश्यू सिस्टम के बाद उसका स्टडी करेंगे एनाटोमी का। तो इपिडर्मिस के जस्ट नीचे कौन है? तो कोर्टेक्स का लेयर होता है। कोर्टेक्स के नीचे कौन सा लेयर है? तो इंडोडर्मिस का लेयर है। इंडोडर्मिस के नीचे कौन सा लेयर है? तो पेरिसाइकिल का लेयर है। पेरिसाइकिल के नीचे कौन है? तो वास्कुलर बंडल है। वास्कुलर बंडल, और वास्कुलर बंडल के नीचे कौन है? तो पीथ है। तो देख रहा हूं ना कि डिफरेंट टिश्यू का लोकेशन अलग अलग लेयर में बन रहा है। सभी का फंक्शन कुछ ना कुछ डिफरेंट टाइप का होगा, लेकिन सभी एक यूनिट की तरह फंक्शन करेगा। जैसे रूट है, तो यहाँ देख सकते हो रूट हेयर होगा जो वाटर को अब्जॉर्ब करेगा, फिर देगा किसके किसको किस सेल को पहुंचाएगा? इपिडर्मिस को। इपिडर्मिस से कोर्टेक्स में, कोर्टेक्स से इंडोडर्मिस में, इंडोडर्मिस से पेरिसाइकिल में, फिर वास्कुलर बंडल के जाइलम तक पहुंचाएगा, जाइलम से फिर उसको जाइलम बेसल से प्लांट के अपेक्स तक पहुंचाने का कार्य करेगा। तो एक यूनिट की तरह फंक्शन हो रहा है ना, यही टिश्यू सिस्टम हो गया। अब बात रही कि टिश्यू सिस्टम को कितने पार्ट में बांटा गया है, तो देखो एक साइंटिस्ट है अकॉर्डिंग टू हेवरलैंड ने टिश्यू सिस्टम को तीन पार्ट में बांटा है। ठीक है, तो जिसमें पहला देखोगे कौन सा टिश्यू सिस्टम का पार्ट है, तो इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम नंबर सेकेंड में चलोगे इपिडर्मल के बाद, तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की बात आती है। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, और नंबर थर्ड में आता है वास्कुलर वास्कुलर या कंडक्टिव टिश्यू सिस्टम। कंडक्टिव टिश्यू सिस्टम, हालांकि ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम भी बोला जाता है, फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। ठीक है, तो अब बात रही कि इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में, तो सिंपल सा बात है कि ये इपिडर्मिस आ जाएगा। वास्कुलर या कंडक्टिव टिश्यू सिस्टम में वास्कुलर बंडल आएगा, जाइलम फ्लोएम का पार्ट। लेकिन एक ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम में कौन आएगा? तो ये वास्कुलर बंडल और एपिडर्मिस को छोड़ दो, तो जो कॉर्टेक्स, इंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल और पीथ आते हैं, वो रूट एंड स्टेम के अंतर्गत वो फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम या ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आएगा। जैसे यहाँ पे मैं लिख दू, इन रूट एंड स्टेम की बात करोगे दोनों कंडीशन के लिए, तो कौन कौन सा पार्ट आएगा इस फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम में, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में? तो कोर्टेक्स का पार्ट आएगा, इंडोडर्मिस का पार्ट आएगा, इंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल पेरिसाइकिल एंड पीथ का पार्ट आएगा। इतना तक क्लियर हो रहे होंगे, ओके। लेकिन लीफ में तो ये सब पार्ट होता नहीं ना है, तो लीफ का ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कौन होगा? तो लीफ का सेक्शन यदि काट करके देखोगे तो इस तरह से दो इपिडर्मिस का लेयर होता है, जिसमें ये अपर इपिडर्मिस हो गया, ये लोअर एपिडर्मिस हो गया। लोअर एपिडर्मिस के बीच में जो टिश्यूज होते हैं उसको मीजोफिल टिश्यू कहते हैं, मीजोफिल के नाम से जानते हैं।
ठीक है। और इसके बीच में ही वास्कुलर बंडल भी प्रेजेंट होते हैं, जाइलम और फ्लोएम का पार्ट यहीं पे प्रेजेंट होगा। ओके, तो अभी तो बताया आपको कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम और वास्कुलर टिश्यू सिस्टम को छोड़ दोगे तो जो पार्ट बच गया वो किस में इंक्लूड होगा, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में। इसका मतलब हो रहा है कि इस एपिडर्मिस को और इस एपिडर्मिस को और इस वास्कुलर टिश्यू को छोड़ दो तो बाकी जो मेसोफिल का पार्ट हो गया लीफ में, वही तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का पार्ट होगा। मतलब इन लीफ में कौन हो जाएगा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, तो सिंपल सा बात मेसोफिल हो गया, मेसोफिल का पार्ट हो गया। यहां तक क्लियर हो गए होंगे। अब सभी लेयर का डिस्क्रिप्शन देखना पड़ेगा हम लोग को, जिसमें सबसे फर्स्ट में चलते हैं एपिडर्मिस के कंडीशन में। नंबर फर्स्ट में एपिडर्मिस के कंडीशन में चलते हैं। तो एपिडर्मिस के कंडीशन में देखोगे तो जनरली एपिडर्मिस का जो लेयर होता है इस तरह से सिंगल लेयर्ड होता है। इसको इस तरह से बनाओगे तो जनरली ये क्या होगा, सिंगल लेयर्ड होगा। एपिडर्मिस के रूट हो, स्टेम हो, लीफ हो, जनरली मैं बात कर रहा हूँ, सभी में नहीं, जनरली बात कर रहा हूँ, मोस्टली कर रहा हूँ कि सिंगल लेयर्ड होगा। और सिंगल लेयर्ड के साथ साथ ये एपिडर्मिस किसका बना होगा सिंगल लेयर्ड के साथ साथ, तो पैरेन्काइमा का बना होगा, पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना होगा। ठीक है, इसके जितने भी सेल्स होंगे कंपैक्टली अरेंज होंगे। एक कैसा अरेंज होगा, कंपैक्टली अरेंज होगा। जितने सेल्स हैं सभी लिविंग होंगे, बट एक बात ध्यान में रखना है कि रूट हो, स्टेम हो, लीफ हो, उसके एपिडर्मिस में क्लोरोप्लास्ट नहीं रहता है, अब्सेंट रहता है। मतलब कि यहाँ पे बोल सकते हो कि एपिडर्मिस में क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट अब्सेंट होगा, है ना। ये लीफ के लिए भी बात कर रहा हूँ, रूट में तो रहना ही नहीं है। स्टेम में सोच सकते हो कि यंग स्टेम ग्रीन होता तो उसमें हो सकता, लेकिन उसमें भी नहीं, एपिडर्मिस में नहीं होता है। और लीफ के भी एपिडर्मिस में नहीं होता है, पक्का रूप से ध्यान में रखोगे। अब नेक्स्ट में देखोगे तो इन सम प्लांट में क्या होगा, इन सम प्लांट एपिडर्मिस जो होता है मल्टी लेयर्ड हो जाता है। एपिडर्मिस कैसा हो जाता है, मल्टी लेयर्ड हो जाता है। तो मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस जनरली जेरोफाइटिक प्लांट में ग्रो करने वाले जो प्लांट होते हैं, जेरिक एरिया में, डेजर्ट में, मरुस्थल में ग्रो करने वाले प्लांट होते हैं, उसमें जनरली क्या होता है कि एपिडर्मिस मल्टी लेयर्ड हो जाता है। ठीक है, तो मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस में दो तीन प्लांट का नाम याद रखना पड़ेगा कम से कम, जिसमें कि एक बनियन ट्री की बात कर लो, बनियन ट्री। इसी तरह से देखो बनियन ट्री के साथ साथ इंडियन रबर प्लांट को भी एग्जांपल में दे सकते हो, इंडियन रबर प्लांट। इसी तरह से नेरियम प्लांट, नेरियम, ये सब एग्जांपल आपको याद रखना पड़ेगा जिसके एपिडर्मिस मल्टी लेयर्ड होंगे। एक पैरेन्काइमेटस होंगे उसमें नो डाउट, लेकिन एक से अधिक, जैसे सिंगल लेयर बनाया ना, एक से अधिक लेयर का बना होगा। इस तरह से लेयर बनाओगे तो देखो एक से अधिक लेयर का बना होगा, इस तरह से मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेगा इन सब प्लांट में। इसी तरह से एक ऑर्किड प्लांट का नाम सुने होंगे कि दूसरे प्लांट के ऊपर में इस तरह से, दूसरे प्लांट के स्टेम पे इस तरह से ग्रो कर जाता है, है ना। इस तरह से प्लांट एक बना दिया जो दूसरे प्लांट के ऊपर में ग्रो कर जाता है। ठीक है, और यहाँ से कुछ रूट निकलता है जो कि एयर में लटका हुआ रहता है, जिसे कि हम हैंगिंग रूट के नाम से जानते हैं। इसको क्या कहोगे, हैंगिंग रूट। तो ऑर्किड का जो हवा में लटका हुआ हैंगिंग रूट है, या एरियल रूट भी बोल सकते हो, तो उसके भी एपिडर्मिस मल्टी लेयर्ड होते हैं। हैंगिंग रूट ऑफ ऑर्किड, हैंगिंग रूट ऑफ ऑर्किड। लेकिन इसमें देखोगे इसके मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर में, पार्टिकुलर हैंगिंग रूट ऑफ ऑर्किड के लिए बोल रहा हूँ कि एक स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट होता है, जिसको कि हम किस नाम से जानते हैं, वेलामेंट टिश्यू के नाम से जानते हैं, वेलामेंट टिश्यू के नाम से जानते हैं। और ये जो वेलामेंट टिश्यू होता है ना, फिर से इसको सुन लो जरा सा, हैंगिंग रूट ऑफ ऑर्किड में देखोगे तो ये मल्टी लेयर्ड है, लेकिन इसी मल्टी लेयर्ड वाले प्रिज्म में, पर्टिकुलर इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, इसी में कुछ सेल्स जो होंगे स्पेसिफिक टाइप के होंगे, जिसको कि वेलामेंट टिश्यू कहते हैं। स्पेसिफिक क्यों बोल रहा हूँ, तो उसका कारण समझिए स्पेसिफिक बोलने का, कि यह ए वाले नहीं, ए वाले नहीं, जो स्पेसिफिक है वो मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर लेता है। तो मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करने का पावर रखता है, उसी को हम कौन सा नाम दिए हैं, वेलामेंट टिश्यू के रूप में देते हैं। और ये वेलामेंट टिश्यू हैंगिंग रूट ऑफ ऑर्किड में ही केवल मिलता है।
वो ड्रास्टिक कंडीशन के लिए मॉइस्चर को अब्सॉर्ब करके रखता है। ओके, ये सब बात तो हो गई इपिडर्मिस से रिलेटेड। अब देखते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ इपिडर्मल सेल, मतलब कि ये जो इपिडर्मिस का लेयर बनाया, इपिडर्मिस का लेयर बनाया, उनके सेल मॉडिफाइड होकर के कुछ नए टाइप के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, तो उसको भी देख लेते हैं। लेकिन पहले इसको रब कर लेते हैं। तो हाँ जी, तो देखो अब मॉडिफिकेशन ऑफ इपिडर्मिस की बात कर लेते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ इपिडर्मिस। देखो इपिडर्मिस के मॉडिफिकेशन में पहले आपको ध्यान रखना है, लर्न करने हेतु, कि सबसे पहले रूट हेयर का फॉर्मेशन होगा, रूट हेयर इपिडर्मिस के मॉडिफिकेशन से बनते हैं। दूसरा देखोगे तो स्टेम हेयर बनेगा, जिसे कि ट्राइकोम के नाम से जानोगे, इसे ही क्या कहेंगे, ट्राइकोम के नाम से जानेंगे। नंबर थ्री में देखोगे तो गार्ड सेल ऑफ स्टोमाटा का फॉर्मेशन होगा, गार्ड सेल ऑफ स्टोमाटा, ठीक है, स्टोमाटा। इसी तरह से नंबर फोर में मॉडिफाइड एपिडर्मिस को देखोगे तो मोटर सेल बनेगा, मोटर सेल या बुल्ली फॉर्म सेल भी इसे बोल सकते हो, बुल्ली फॉर्म सेल। ये सब जितना नाम मैंने यहाँ लिखा है सभी इपिडर्मिस के सेल के मॉडिफिकेशन से बनता है। अब इसका थोड़ा कैरेक्टर देखते हैं। कैरेक्टर में देखोगे तो रूट हेयर जो होगा यूनिसेलुलर नेचर का होता है, यूनिसेलुलर होता है। ये वाटर के अब्जॉर्प्शन करने में मदद करता, वाटर एंड मिनरल दोनों को करेगा, वाटर मिनरल का अब्जॉर्प्शन करेगा, ठीक है। इसी तरह जैसे कि फिगर में बनाओगे तो इस तरह से इपिडर्मिस को बना दिया रूट का, और इसके कोई सेल में आउटग्रोथ इस तरह से बन जाएगा, इसी को क्या कह लोगे, रूट हेयर कह लोगे। और ये रूट हेयर का ऐसा कैरेक्टर का हो गया, यूनिसेलुलर हो गया, और साथ साथ किसके अब्जॉर्प्शन में मदद कर रहा है, तो वाटर एंड मिनरल के अब्जॉर्प्शन में मदद कर रहा है। इसी तरह से दूसरा देखोगे स्टेम हेयर, ये तो रूट हेयर हो गया, दूसरा स्टेम हेयर तो स्वाभाविक है कि स्टेम में मिलेगा, तो स्टेम में मिलेगा तो स्टेम का एपिडर्मिस में यहाँ बना देता हूँ, ठीक है, एपिडर्मिस को बना दिया स्टेम का। तो इसमें क्या होते हैं कि कुछ सेल्स डिवाइडेबल हो जाता है, डिवाइड होकर के इस तरह से बहुत सारे सेल्स का फॉर्मेशन कर लेगा, ये मल्टीलेयर्ड स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। देख रहे हो ना, हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी बना है लेकिन मल्टीलेयर्ड हो गया है, और मल्टीलेयर्ड होने के साथ साथ किसी कभी कभी तो देखा जाता है कि ब्रांच भी हो जाता है, इस तरह से कुछ ब्रांच का भी फॉर्मेशन कर लेता है। इस तरह से देखो ब्रांच जैसा स्ट्रक्चर बना दिया, यहाँ तो अनब्रांच दिखाया है लेकिन एक ऐसा दिख रहा है आपको ब्रांच दिख रहा है। ये सॉफ्ट भी हो सकता है, स्टीप भी हो सकता है, मतलब कि कैरेक्टर यदि इस ट्राइकोन का दिखाओगे, स्टेम हेयर का दिखाओगे, ट्राइकोन को ही स्टेम हेयर भी बोलते हैं या स्टेम हेयर को ही ट्राइकोन बोलते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, ब्रांच भी हो सकता है और साथ साथ अनब्रांच भी हो सकता है। इसके बाद कैरेक्टर देखोगे तो एक स्टीप होगा या सॉफ्ट भी हो सकता है, दोनों कंडीशन में अलग अलग प्लांट में मिलेगा, सॉफ्ट भी हो सकता है, ठीक है। अब बात रही किस में मदद करेगा, तो सबसे पहली बात है मदद करने में तो ये जो ट्रांसपायरेशन होता है जिसमें कि वाटर लॉस्ट होता है वेपर के रूप में, उसके रेट को डिक्रीज कर देता है, ठीक है। तो सबसे पहला देखोगे ट्रांसपायरेशन को रेट को कम करेगा, इसका मतलब कि वाटर लॉस होने से प्रोटेक्ट करेगा, है ना, प्रोटेक्ट टू लॉस ऑफ वाटर भी बोल सकते हो। डिक्रीज रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन का मतलब प्रोटेक्ट लॉस ऑफ वाटर, ओके। ये कंडीशन हो गया किसके लिए, ट्राइकोन के लिए। अब हम देखेंगे तीसरा कंडीशन में, तो गार्ड सेल ऑफ स्टोमाटा को, तो स्टोमाटा का गार्ड सेल देखना है तो उसके लिए मोनोकॉट प्लांट और डाइकॉट प्लांट दोनों को अलग अलग देखना पड़ेगा। जैसे देखो पहले मैं डाइकॉट प्लांट में चलता हूँ, डाइकॉट प्लांट का गार्ड सेल को देखता हूँ। डाइकॉट प्लांट में गार्ड सेल को देखोगे तो ये बीन सीड शेप्ड होता है, बीन सीड शेप्ड, या तो इसको बोल सकते हो किडनी शेप भी बोल सकते हो, किडनी शेप भी बोल सकते हो या रेनी फॉर्म भी बोल सकते हो, कई नाम दे दिया जाता है। तो शेप बनाओगे तो इस तरह से बनेगा, इसका गार्ड सेल देखो इस तरह से बना हुआ रहेगा किडनी शेप्ड,
ठीक है, एक और गार्ड सेल, दो गार्ड सेल आपस में मिल जाएंगे और मिल करके क्या करेगा, एक देखो यहाँ गार्ड सेल बना दिया है, इधर ए वाला पार्ट हो गया एक गार्ड सेल, इधर वाला हो गया दूसरा गार्ड सेल, दोनों मिल गया तो बीच में एक पोर बन गया जिसको कि स्टोमेटल पोर बोलेंगे। ये तो गार्ड सेल हो गए है ना, जिसमें डॉट डॉट दे रहा हूँ सेल के रूप में है, दो सेल हो गया, एक गार्ड सेल हो गया, गार्ड सेल ये भी क्या है तो गार्ड सेल ही है, तो गार्ड सेल्स कर दो है ना, क्योंकि दो गार्ड सेल आपस में मिलेंगे तभी स्टोमेटा बनेगा, और बीच में जो पोर बना है जिसको क्या कहोगे स्टोमेटल पोर, और दोनों को इकट्ठे क्या बोलोगे स्टोमेटा के नाम से जानेंगे, इसको हम किस नाम से जानेंगे स्टोमेटा के नाम से जानेंगे। अब इस गार्ड सेल में देखोगे तो कुछ फाइब्रिलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, इस तरह से फाइब्रिलर स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होगा इसको हम माइक्रो फाइब्रिल के नाम से जानेंगे, माइक्रो फाइब्रिल के नाम से जानेंगे। ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में मदद करेगा, जैसे ये हॉरिजॉन्टली अरेंज हो जाता है ना, तो ये टर्जिड होता है गार्ड सेल उस समय होता है, लेकिन लॉन्गिट्यूडिनली अरेंज होता है कब, जब ये फ्लैसिड होता है तब, लेकिन जब टर्जिड होता है गार्ड सेल उस समय स्टोमेटा ओपन होता है, लेकिन जब गार्ड सेल फ्लैसिड होता है तो स्टोमेटा क्लोज होता है। ये प्लांट फिजियोलॉजी चैप्टर में ट्रांसपायरेशन पढ़ोगे तो वहाँ पे बताया जाएगा। अब एक बात और देखोगे, चूंकि इपिडर्मिस के सेल के मॉडिफिकेशन से बना है तो इसके बगल में तो बहुत सारे और भी इपिडर्मल सेल होंगे, तो इसके बगल में जो डायरेक्ट प्रेजेंट रहेगा इपिडर्मल सेल जो इस तरह से मैं बना दे रहा हूँ, इसको हम किस नाम से जानेंगे तो सब्सिडियरी, सब्सिडियरी इपिडर्मल सेल के नाम से जानते हैं, इपिडर्मल सेल के नाम से जानते हैं। इतना प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा डाइकॉट प्लांट के गार्ड सेल से रिलेटेड। अब देखो सेल सेल एक दो प्रॉपर्टी और बता देता हूँ यहाँ पे, जैसे गार्ड सेल का देखोगे आउटर वाल ए वाला बाहर वाला वाल है ना, तो ये थीन होता है, ये जो आउटर वाल होता है वो कैसा होगा थीन होगा, लेकिन जो इनर वाल होगा इस तरह से वो थिक हो जाता है। तो इनर वाल थिक क्यों हो गया, क्योंकि इनर वाल पे पेक्टिन का डिपोजिशन हो जाता है, ये इनर वाल है तो इनर वाल कैसा हो गया थिक हो गया, थिक क्यों हुआ क्योंकि यहाँ पे किसका डिपोजिशन हो गया सेलुलोज, सेल वाल है तो सेलुलोज का बना होगा, तो इस पे किसका डिपोजिशन हो गया पेक्टिन का डिपोजिशन हो गया, जिसके कारण इनर वाल इसका थिक हो जाता है, बट आउटर वाल पे पेक्टिन का डिपोजिशन नहीं होता है जिसके कारण वो क्या रह जाता है थिन रह जाता है। ओके, इसी तरह से मोनोकॉट प्लांट का देखोगे स्टोमेटा को, तो थोड़ा सा ऊपर में डंप कर देता हूँ और उसके बाद आपको बताता हूँ। देखो मोनोकॉट में देखोगे तो इस तरह से गार्ड सेल ऑफ मोनोकॉट प्लांट है ना, गार्ड सेल ऑफ मोनोकॉट, मोनोकॉट प्लांट, तो मोनोकॉट प्लांट में देखोगे तो सेप होगा गार्ड सेल का वो डंबल सेप होगा, गार्ड सेल का सेप कैसा होगा डंबल सेप्ड होगा, जैसे कि डंबल नहीं उठाते हो एक्सरसाइज के समय यहाँ के मसल्स को मजबूत करने के लिए, तो दोनों पार्ट उसका स्वेल रहता है बीच में पतला सा रॉड सा बना रहता है, ठीक है, तो वैसा ही डंबल सेप्ड होगा। देखो इस तरह से डंबल सेप्ड बना दोगे, डंबल की आकृति का बन गया, तो ऐसा ही दो डंबल सेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, इस तरह से दो डंबल सेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा गार्ड सेल के रूप में, ये मोनोकॉट प्लांट में हो गया, दोनों गार्ड सेल हो गया। इसके बगल में कौन प्रेजेंट रहेगा तो सब्सिडियरी एपिडर्मल सेल इस तरह से प्रेजेंट होगा। ओके, ये एक पार्ट कौन सा हो गया सब्सिडियरी एपिडर्मल सेल का, एक गार्ड सेल का हो गया, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये गार्ड सेल्स हो गए, और गार्ड सेल के बीच में कौन प्रेजेंट हो गया तो स्टोमेटल पोर हो गया, स्टोमेटल पोर, और दोनों को ही इकट्ठे क्या करोगे स्टोमेटा के नाम से जानोगे। ओके, बगल में तो सब्सिडियरी एपिडर्मल सेल हो गया, सब्सिडियरी एपिडर्मल सेल। ओके, अब यहाँ भी जैसे यहाँ पे देख रहे थे कि इनर वाल पे पेक्टिन का डिपोजिशन होता है आउटर पे नहीं होता है, यहाँ भी वही कंडीशन होगा कि इनर वाल ठीक होगा ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ पेक्टिन, जबकि आउटर वाल गार्ड सेल का ए वाला आउटर वाल, ए वाला आउटर वाल थिन होगा क्योंकि वहाँ पे पेक्टिन का डिपोजिशन नहीं होगा। माइक्रोफाइब्रिल इसमें भी प्रेजेंट होगा, इस तरह से माइक्रोफाइब्रिल को यहाँ भी दर्शाओगे है ना, दोनों में वही कंडीशन होगा, केवल सेप गार्ड सेल का दोनों में चेंज होगा। अब इसके बाद अगला एक और बचा हुआ है मोटर सेल, उसको देखो एपिडर्मिस के मॉडिफिकेशन में एक नया सेल बनता है
जिसको हम किस नाम से जानते हैं, मोटर सेल के नाम से जानते हैं। तो मोटर सेल की बात करोगे, मोटर सेल या इसको बुली फॉर्म सेल भी कहेंगे, या बुली फॉर्म सेल। ओके, तो मोटर सेल या बुली फॉर्म सेल में चलोगे तो जनरली ये हर एक प्लांट को नहीं मिलेगा, तो किस में मिलेगा, तो लीफ ऑफ, ये मिलेगा किस में, लीफ ऑफ एपिडर्मिस, एपिडर्मिस ऑफ हर्बेसियस, हर्बेसियस जेरी प्लांट या डेजर्ट प्लांट, जेरी प्लांट में मिलेगा। ये सबसे पहले ध्यान रखना कि जो मरुस्थल में प्लांट ग्रो करते हैं उसके लीफ के एपिडर्मिस में ही मोटर सेल या बुली फॉर्म सेल का फॉर्मेशन होता है। तो बुली फॉर्म सेल या मोटर सेल होता है जो थोड़ा स्फेरिकल होगा, स्वेल होगा, स्फेरिकल होगा, स्फेरिकल एंड लार्ज, इन लार्ज कर दो, लार्ज नहीं, इन लार्ज देन देन सब्सिडियरी एपिडर्मल सेल, सब्सिडियरी एपिडर्मल सेल मतलब अगल बगल में जो सेल्स हैं उसके रेस्पेक्ट में थोड़ा बड़ा होगा। जैसे फिगर में दर्शा दो इस तरह से, ये सब एपिडर्मल सेल बना दिया, इसके बगल में देखो इस तरह का सेल कुछ बन गया है ना, तो देख लो ना इनलार्ज हो गया ये सेल किसके रेस्पेक्ट में, सब्सिडियरी एपिडर्मल सेल के रेस्पेक्ट में। तो ऐसे सेल को ही हम किस नाम से जानेंगे, मोटर सेल के नाम से जानेंगे, या तो बुली फॉर्म सेल के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो इस तरह से मोटर सेल और बुली फॉर्म सेल का फॉर्मेशन होता है। तो बुली फॉर्म सेल या मोटर सेल करता क्या है, तो ये वाटर को ऑब्जॉर्व करता है, मोटर सेल हो या बुली फॉर्म सेल हो, दोनों एक ही चीज़ है भाई। ऐसा नहीं कि एक में मोटर सेल लिख दिया है, एक में बुली फॉर्म सेल लिख दिया है तो अलग अलग समझ लोगे, दोनों एक ही बात है, नाम एक और करके यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये स्टोर करता है किसको, वाटर को स्टोर करता है। तो वाटर को स्टोर करेगा किस लिए, तो लीफ के एक कह सकते हो कि रोलिंग एंड अनरोलिंग में मदद करता है। रोलिंग अनरोलिंग में कैसे मदद करेगा, जब देखो इसमें वाटर का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा तो लीफ का एक्सपेंशन होना से मतलब कि इस तरह से अनरोल हो जाएगा लीफ। लेकिन जैसे ही ज़्यादा लाइट पड़ेगा, लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा होगा, तो कुछ वाटर यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, तो वैसे कंडीशन में इसके प्रोटोप्लाज्म थोड़े कंस्ट्रिक्ट होंगे, तो कंस्ट्रिक्ट होने के समय ये क्या होगा, इस तरह से रोल होने लगता है, जिससे क्या फायदा होता है प्लांट के लीफ को कि हाई लाइट इंटेंसिटी में, चूंकि जेरी के एरिया में ग्रो कर रहा है, तो ये जैसे ही रोलिंग कंडीशन, अनरोलिंग कंडीशन में होगा, एक्सपेंशन में होगा, तो इसका स्टोमाटा लाइट इंटेंसिटी के ज़्यादा कंटैक्ट में रहेगा, तो वैसे कंडीशन में वाटर वेपर के रूप में बहुत ज़्यादा निकल जाएगा, तो प्लांट को वाटर की कमी हो जाएगा। आपको पता है कि जो जेरी प्लांट में, जेरी के एरिया में प्लांट होते हैं उसमें वाटर कंजर्वेशन इसेंशियल होता है, तो स्टोमाटा यदि ज़्यादा कंटैक्ट में आएगा सनलाइट का तो ज़्यादा वाटर लॉस होगा, प्लांट के लिए हार्मफुल होगा, इसलिए उस समय लाइट इंटेंसिटी जब ज़्यादा होती है तो इस तरह से रोल हो जाता है लीफ, थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा सा कह सकते हो कि सरफेस एरिया को घटा लेता है, तो सरफेस एरिया घटाएगा तो स्वाभाविक है लाइट के कंटैक्ट में कम से कम स्टोमाटा आएगा, वाटर लॉस कम से कम होगा। लेकिन इवनिंग होगा तो फिर से वाटर इसमें स्टोर्ड होना शुरू हो जाएगा, फिर से इसका एक्सपेंशन हो जाएगा, अनरोलिंग हो जाएगा। इस तरह का काम ये जेरी प्लांट में वाटर के कंजर्वेशन के लिए मोटर सेल करता रहता है। ठीक है, यहाँ तक एपिडर्मिस को मैंने बता दिया आज। अब दूसरा लेक्चर जो टिश्यू सिस्टम का बनाऊंगा उसमें आपको कोर्टेक्स, इंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल से रिलेटेड बात होगी। ओके, आज के लिए इतना ही, आप लोग लाइक सब्सक्राइब करिए और करवाइए भी। थैंक यू।